हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेला का कलौची बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और वीडियो में इन तक बने रहिए, न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं करेला का कलौची बनाने। यहाँ पे हम करेला ले लिए हैं, जो कि इसको अच्छी तरह से हम धो लिए हैं। अब इसको हम किनारे किनारे हम काट लेंगे दोनों साइड से, और इसको हम चाकू से थोड़ा सा छील लेंगे ताकि इसका कड़वापन न रहे। इसी तरह हम ऊपर छिलका को छील देंगे। तो सारे करेले को हम ऊपर से छील लिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से धुल देंगे और इसको हम निचोड़ देंगे ताकि इसमें कड़वापन न रहे। और बीज से हम फाड़ देंगे चाकू से, और बीज को हम निकाल लेंगे। तो इसमें हम एक बर्तन में पानी डाल देंगे, और पानी उबलने लगेगा तो करेले को हम डाल देंगे। इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे करेले को। और इसको हम ढक देंगे। और करेले को मैं हल्का से उबाल लूँगी, और अच्छे से उबल गया है तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसमें हम कढ़ाई में पंचफोरन डालेंगे। धनिया, मेथी और मंगरेल जीरा को अब इसको हम भून लेंगे। और इसमें अच्छी तरह से खुशबू आने लगा है। और दो लाल मिर्च डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो गैस को मैं ऑफ कर दूंगी, और इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे मसाले को। तो मसाले को मैं मिक्सी जार में पीस लिए हैं। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे और प्याज कटा हुआ। इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा सा, और हल्दी पाउडर, और पिसा हुआ मसाला जो पहले से हम पीस लिए थे। अब इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज के साथ। और गैस को मैं ऑफ कर दूंगी। अब इसको मैं मिक्सी जार में पीस लेंगे थोड़ा सा।
मिक्सी जार में मैं पीस ली हूँ। एक प्लेट में इसको निकाल दूंगी। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाले और प्याज को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें कटा हुआ नींबू का जूस डाल देंगे। आप चाहे तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि नमक मैं पहले से ही डाल दी थी। अब करेले में मसाले को भर दूंगी। इसी तरह हम सारे करेले को मसाले में डाल दूंगी। तो करेले को मैं मसाले में डाल दी और इसको तलने के लिए मैं गैस को ऑन करके सरसों का ऑयल डालूंगी। तो इसी तरह हम सारे करेलों को डाल दूंगी कढ़ाई में। तो अब इसको हम लेट से ढक देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गया है तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो करेला अच्छी तरह से पक गया है, इसको हम चेक कर लेंगे। करेला अच्छी तरह से पक गया है तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो करेला कलौची बन के तैयार हो गया है। आप इसको पराठा या तो पूरी के साथ खा सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो करेला का कलौजी का रेसिपी आप सबको कैसे लगा? ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।